दोस्तों आज जो है साग का आइटम ज्यादा बन रहा है, करेला दाल की आज दाल बना रही हूँ। हस्बैंड जी बहुत बोलते हैं कि करेला डाल के दाल बनाओ, तो पार्लर में काम करते करते शाम का पता ही नहीं चला। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉगर। नमस्कार, क्या बना चशा भाई? तो आज की मॉर्निंग जो है बहुत जल्दी हो गई है और मैं नहा के हो गई है रेडी। तो चलिए हस्बैंड जी सो रहे हैं, उनके लिए भी चाय बना देती हूँ, फटाफट जगा देती हूँ उनको, क्योंकि टाइम हो गया है। और बेटा जो रात को नाश्ता नहीं करा तो सुबह ही, और पूरी रात सोया भी नहीं है, कह रहे मम्मी नाश्ता देते, तो उसके लिए भी फटाफट मैं नाश्ता बना देती हूँ। और करते हैं दिन की शुरुआत एक कप छोटी चाय के साथ। अच्छा ठीक है, सब फाइनल हस्बैंड जी को जगाने के बाद अब काम स्टार्ट करते हैं घर की, और बच्चे तो सो ही रहे हैं अभी। सो हस्बैंड जी चले गए थे टाइम से सेंटर और मैंने भी घर का काम स्टार्ट कर दिया था, तो काम के साथ साथ और पार्लर में कस्टमर भी आ रहे तो उनका भी काम कर रही हूँ। तो काम यह है कि इतने सारे कपड़े धोए थे उनको भी लगा रही हूँ, जो कि अलमारी से सारे कपड़े बच्चे क्या करते हैं जब निकालते हैं तो सब फैला देते हैं, और कुछ साफ सफाई भी डोर के अंदर भी इतने सामान रखे हैं कितने एक्स्ट्रा हमें पता ही नहीं था, तो बिटिया ने सारे साफ करे और जो भी एक्स्ट्रा सामान था उनको फेंक दिया। तो पार्लर से कस्टमर अभी भी गए हैं और मैं क्या करती हूँ जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर कभी भी आ जा रहे हैं, क्योंकि कल ईद है इसी चक्कर में, तो मैं खाना बना के फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद जब भी कस्टमर आ जाएंगे तो मैं उनका काम कर लूँगी। तो चलिए बनाते हैं आज खाना और देखते हैं कल बेटी क्या क्या सब्जी लेके आई है, तो वो भी बनाना है। अभी तुम लोगों का वीडियो भेजते उड़ीसा। तो फाइनल खाना बनना स्टार्ट हो गया है, चावल बन गया है और मैंने बना लिया है लंगड़ा साग, देखिए इस तरीके से, और काफ़ी चटपटा करके बनाया है। और मैं बना रही हूँ आज करेला दाल, तो दाल जो है मेरी उबल चुकी है और करेले को थोड़ा फ्राई करके और हल्दी नमक डाल के इसमें दाल डाल देंगे। और अभी दूसरा साग भी बन रहा है इसमें, तो इसमें बन रहा है हेलनचे साग। सो आज जो है साग का आइटम ज़्यादा बन रहा है, एक हेलनचे साग बन रहा है जो तरी वाला है और करेला दाल की आज दाल बना रही हूँ। हस्बैंड जी बहुत बोलते हैं कि करेला डाल के दाल बनाओ, तो मैंने आज उनके लिए स्पेशल अलग से बनाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मैं बाकी बच्चों के लिए अलग से छोकूंगी। और लंगड़ा साग बनाया है और बाकी देखते हैं बच्चे क्या खाना चाहते हैं। बच्चे अभी तो चाय वगैरह पिया है, कुछ खाना ही नहीं चाहते बच्चे लोग, आपस में ही मस्ती कर रहे एक जगह। और ये बनाया है हेलनचे साग का बॉर्डर जो मेरी देवरानी ने बनाया है, आधा मैंने बनाया आधा देवरानी ने बनाया है। तो बस चलते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या क्या बनाना है बच्चे जो खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड के लिए पहले मुझे तैयारी करनी है। बात तो सही है। सो हस्बैंड जी ने तो टाइम से खाना खा लिया था, पर बच्चों ने किसी ने भी खाना नहीं खाया, वो सब कह रहे थे कि हम ना आएंगे उसके बाद ही हम खाएंगे, और दिन के बज गए हैं 2 और अभी तक मतलब कोई भी खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। सो मैं पार्लर में आ गई थी क्योंकि कस्टमर आ गए थे, तो अब कस्टमर गए हैं थ्रेडिंग वगैरह बना के, और जो मैंने ब्लाउज सिला है तो थोड़ा सा उसका भी काम कर लेते, जो भी तुरपाई वगैरह बचा उसको भी निपटा लेते हैं आज, और जब तक बच्चे लोग खाना नहीं खा रहे तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। सो पार्लर से अभी भी फ्री और थोड़ा सा पी रही हूँ चाय। सो पार्लर में काम करते करते शाम का पता ही नहीं चला, शाम के 7:30 बज गए, अंधेरा भी हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, हस्बैंड जी को चाय मैंने टाइम से पिला दिया था, बस खाने की तैयारी करेंगे क्योंकि अभी अभी कस्टमर गए हैं और पार्लर मैंने पूरा साफ कर दिया है, कुछ कपड़े भी मैंने हाथ के हाथ प्रेस कर दिए। सब फाइनल दाल का खाना बनना स्टार्ट हो चुका है और मैंने बनाए हैं आज भिंडी मसालेदार, मैगी मसाला डाल के और कद्दू की इतनी बड़ी बड़ी भुजिया बनाई है, और बस फटाफट रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए। सो फाइनल गाइस सबने खाना खा लिया है और किचन का सारा काम मैंने समाप्त कर दिया है, और बच्चों ने भी सब एक साथ खाना खा के सब मस्ती कर रहे हैं अभी तक, देखो रात को सभी, और क्योंकि सुबह जल्दी उठना नहीं है इसलिए रात भर मस्ती करते रहते हैं। सो बेटा भी सो रहा है और बच्चे भी जा रहे हैं सोने के लिए, और हम लोगों ने भी सोने की तैयारी कर ली है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि और बस अब कुछ भी नहीं है। सो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और जय माता दी।